मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन घर कभी नहीं जाएंगे। हुए हैं अब हम लोग झुकने वाले नहीं है। हम लोग लोकनाथ जय प्रकाश नारायण श्री कृष्ण श्री बिरसा मुंडा सही जगतपति के धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं और हम लोग अब रुकने वाले नहीं। लग रहा है कि आग लगा दे इस बिहार की गवर्नमेंट। मैंने तो कह दिया है कि अगर मौत और हार में चुनना होगा मौत को चुन लेंगे। आमरण अनशन है हम लोगों का, जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। सरकार को वास्तविक जो मांग हम लोगों का है उस मांग को स्वीकार करना चाहिए। हमारे विज्ञापन को पढ़ना चाहिए और विज्ञापन को देखना चाहिए कि एसटीटी 2019 में जो विज्ञापन डाला गया उसके अनुसार बच्चे फॉर्म डाले, क्वालिफाई किए, मेरिट में आए, उसके बाद मेरिट और नॉन मेरिट कर दिया जाता है। तो ये सारे चीजें को देखते हुए सरकार को सर्वप्रथम हम लोगों की बातों को संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेते हुए हमारी समस्याओं को हल करना चाहिए। बिहार सरकार नीतीश कुमार बिहार में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, सालाना 135 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, तो क्या खिचड़ी खिलाने से पढ़ाई होता है? क्या खिचड़ी खिलाने से क्वालिटी एजुकेशन मिलती है? क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी इन मेरिट अभ्यर्थियों को हाई स्कूल और प्लस टू के विद्यालयों में डालने से। हम लोग मेरिट वाले हैं, आपने लिखा है, आपने बताया है, आपका नोटिफिकेशन हमें मेरिट में मानता है। खाना भी नहीं खाया है, पानी भी नहीं पिए हैं सुबह से, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक नहीं खाएंगे। लग रहा है कि आग लगा दें इस बिहार की गवर्नमेंट को, लेकिन क्या करें, हम लोग असंवैधानिक काम नहीं कर सकते, इसलिए संवैधानिक तरीके से यहाँ बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे। इतना गुस्सा है कि बता नहीं सकते हैं। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सरकार से डरना क्यों है? जब सरकार यही चाहती है कि हमें हमारे हकों की मांग तभी मिलेगी जब हम डंडे खाएंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे, तो बिल्कुल ये हमें करना ही पड़ेगा। और ऐसी जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार में उसको खत्म करने के लिए हमें ऐसा करना जरूरी है। जून को जो वो बयान दिए हैं नॉन मेरिट और मेरिट का, उनको तो हम लोग ये तो होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। ये हक सिर्फ 30,675 अभ्यर्थी का है और उन्हीं को यह हक मिलना चाहिए। बिना लड़े कुछ हो ही नहीं सकता है, यही हमारे पास एक साधन बच गया है कि हमें आंदोलन, क्योंकि यहाँ पे आंदोलन का चलन ही है, हर चीज के लिए आंदोलन करना ही पड़ता है। अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो सरकार भी आराम से बैठी रहेगी, जब तक हम रोड पर नहीं आएंगे सरकार सुनेगी ही नहीं कि भाई जनता को क्या समस्या है। हम 30,675 अभ्यर्थी अपने हक के लिए आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं और आमरण अनशन भी रखे हैं। जब तक हमारी सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी तब तक ये अनशन आमरण अनशन चलता रहेगा। होने देंगे क्योंकि जो नॉन मेरिट को कॉलम में आकर ये धारणा के थ्रू अपना स्ट्रेंथ बना लिया है, तो हम तो एक कॉलम हासिल किए हुए, एक मेडल हासिल किए हुए मेरिट का, तो फिर हम ये कॉलम को डिलीट कैसे होने दे सकते हैं? हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है, अपने मेडल को अपने हाथ में रखेंगे और उनको उनकी कुर्सी से उतारेंगे और तभी उनको समझ में आएगा कि आई एम इन नॉट मेरिटलेस। सरकार कान में हेडफोन लगाई हुई है, जब निकल जाएगा तो हम लोग की बात जरूर सुनेगी। उम्मीद है हम लोग को कि सरकार सुनेगी, और अगर इसके लिए हम लोग को लाठी चलाना पड़ा तो चलाएंगे भी और खाएंगे। हुए हैं अब हम लोग झुकने वाले नहीं है। हम लोग लोकनाथ जय प्रकाश नारायण श्री कृष्ण श्री बिरसा मुंडा सही जगतपति के धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं और हम लोग अब रुकने वाले नहीं है। मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन घर कभी नहीं जाएंगे वाले नहीं है। यहाँ से अगर हम लोग को निकाला गया तो सीधे हम लोग सचिवालय के अंदर घुसेंगे, और केवल हम ही लोग नहीं है, हम लोग के सपोर्ट में पूरे किसान यूनियन हम लोग के साथ है और छात्र संघ सारा हम लोगों के साथ है। और हम लोग बोल रहे हैं, कसम खा के बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से हटे तो सीधे हम लोग सचिवालय के अंदर घुसेंगे। मिलेगा और शिक्षा मंत्री शुतुरमुर्ग होगा है, उनको ना बुझा रहा है लड़का सब जो मेरिट वाला आए हुए है। अरे बेवकूफ है, पूरा है, मूर्ख है शिक्षा मंत्री। ये बच्चा जो आया है बिहार के कोना कोना से ना बच्चा सब आया है अपना अधिकार मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए। शिक्षा मंत्री को समझ नहीं आ रहा। अभी तो हमारा आमरण अनशन आज से स्टार्ट हुआ है, अभी जब तक हमारा मांग जो है विज्ञप्ति के आधार पर शिक्षक की जो बहाली आई थी 2019 में मेरिट में जो अभ्यर्थी हैं मेरिट वाले अभ्यर्थियों की जब तक विज्ञप्ति के आधार पर बहाली नहीं हो जाती तब तक हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। आज हमारा पहला दिन है, बिहार के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी आए हुए हैं और डटे हुए हैं अपनी मांगों के साथ, और हमारा एक ही मांग है कि एस्टेट 2019 मेरिट अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। भी कहा एक आंदोलन कभी खत्म नहीं हो सकता, ये आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। क्या लगता है क्या लगता है भूखे रह पाएंगे आप? जान दे देंगे रे भाई, जान दे देंगे, भूखे रहेंगे, जान दे देंगे।
भागने वाले नहीं है। क्योंकि देशभक्त हूँ, संविधान की रक्षा के लिए, विज्ञापन की रक्षा के लिए, बाबा साहब के विचारों की रक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री देशद्रोही कर रहे, गद्दारी कर रहे देश के। मैंने तो कह दिया है कि अगर मौत और हार में चुनना होगा, मौत को चुन ले।